हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपका स्वागत है हेमा एंड पंकज के ब्लॉग्स में। तो अभी मैं बना रही हूँ दिन का लंच। तो दिन के लंच में मैं बना रही हूँ दाल, मसूर की दाल, और भात बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। और मम्मी और सब जने गए हुए हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए मम्मी को। तो अभी मैंने फ़ोन किया था तो बोल रहे थे अभी तो उनके टेस्ट वगैरह चल रहे, ECG वगैरह चल रहे, तो घर आके बताएंगे आपको जब रिपोर्ट दिखा देंगे डॉक्टर को। अभी तब तक मैं उनके आने तक खाना बना के रखती हूँ। मम्मी ने बोल रखा है दाल बनाने के लिए, और मम्मी के लिए तो बनाऊँगी मैं रोटी, क्योंकि उनको भात आत नहीं खिलाना है अभी, और ठंड भी हो रही है आज। आज फिर से कोहरा आ गया था सुबह। दाल में प्याज मेरा जल चुका है अच्छे से। टमाटर काट रही हूँ मैं। अब मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद दाल लाल बना के। टमाटर पीसूंगी मैं तो अभी शाम के बज रहे हैं 7। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। खाना मैंने बना दिया। आलू गोभी की सब्जी मैंने बना दी है, चढ़ा दिए, पक रही है, जो कि पकी नहीं है, गर्म भी हो रही है। ये देखिए पक रही है। और भैंस का दूध लगा रखा है हमने, तो वो शाम के वक्त ही देते हैं। वैसे हम थैले का दूध लाते थे, पहले भी हमने भैंस का दूध लगाया था उनसे। उन्होंने बीच में उनकी भैंस की तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने छुड़ा दिया था। हम थैले का ही दूध लाते थे। आज शाम का एक दो दिन हो गए हैं, शाम से हम वहीं से दूध लेके आते हैं भैंस का, तो शाम को ही दूध गर्म करते हैं। गौतम भी वहाँ अपने पापा के साथ बैठा हुआ है, पीछे देख रहे होंगे। और मम्मी लोग भी मेरे अभी पहुँच ही रहे हैं घर। उनको हो गए 10-15 मिनट, उनको चाय पानी देके आराम कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और ECG वगैरह की रिपोर्ट तो आ गई थी उनकी। ECG की रिपोर्ट तो ठीक थी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में डॉक्टर बोल रहे पेट में उनके छाले हो गए हैं, तो दवाई ववाई दे रखी है। गर्म चीज़ खाने से बिल्कुल मना कर रखा है उनको, और हल्का फुल्का खाना देने के लिए बोल रखा है। तो मैं उनके लिए बनाऊंगी अभी खिचड़ी, हल्की सी, बिना मसाले की, खाली नमक ही नमक डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी डालूंगी। डॉक्टर ने परहेज बता रखा है खाने में। अभी मेरी मम्मी अंदर है तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मिलाती हूँ, वो लेटी हुई हैं। मम्मी, मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है, तो अभी मेरा भाई दे रहा है दवाई। ये रहा मेरा भाई, मुझे साय बोल दे। हाँ, मेरा भाई, मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है तो उसकी दवाइयाँ चल रखी है, दवाई दे रहा है अभी। और ये लिक्विड वाली दवाई है मम्मी के पेट के लिए, जो छाले हो रखे उससे ठंडी पड़ेगी, कह रहे थे डॉक्टर, ठीक होंगे जल्दी जल्दी। हाँ, अब मैं खाना आना बनाती हूँ। खाना मतलब तो सब्जी वब्जी बनती है, तो रोटी वोटी बनाती हूँ, उनको खाना आना खिला के फिर वो आराम करेंगे, क्योंकि दिन भर आज थके हुए हैं वो हॉस्पिटल में। मेरी भाभी का भी फ़ोन आ रहा था कि कैसे हो रही है तबीयत उनकी करके, तो फ़ोन आया था बड़ी भाभी का, छोटी भाभी का भी आया था फ़ोन पूछने, तबीयत पूछने के लिए। और आज तो दिन भर में कोई वीडियो नहीं बना पाई, वही टेंशन लगी हुई थी कि रिपोर्ट में क्या निकलेगा, कैसे क्या होगा। तो रिपोर्ट तो सारी ठीक है, और जो छाले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे जल्दी, दवाई दे रखी है डॉक्टर ने। और एक दो दिन के लिए उनको यहीं रुकने के लिए बोल रखा है, तो दोबारा दिखा के जाएंगे डॉक्टर को। अब बस गाइस, आज की वीडियो मैं इधर ही पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए बाय।